फैसिस एमन इंफास एलएमवी सेक्शन का एकमात्र ऑटोमेटिक हथियार है। यह हथियार लंबी दूरी में निकलने वाले दुश्मन पर भारी मात्रा में कारगर फायर डालकर उसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। वैसे तो इसे एक जवान आसानी से हैंडल और कैरी कर सकता है, लेकिन फायरिंग के दौरान पड़ने वाली रोकों को दूर करने के लिए, साथ ही अगर नंबर एक कैजुअल्टी हो जाए तो नंबर दो की जरूरत पड़ती है। एक और दो एक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं। हथियार का पूरा पूरा फायदा उठाने के लिए जवानों को भिन्न भिन्न प्रकार की आड़ों का इस्तेमाल करते हुए फायरिंग पोजीशन का चुनाव करना और एलएमजी को एक्शन में हैंडल करने का तरीका आना चाहिए, ताकि लड़ाई के मैदान में एक गोली एक दुश्मन का मुद्दा हासिल किया जा सके। ये तभी संभव है जब जवान ने शांति काल के दौरान स्काउट पोस्ट टर्निंग आले दर्जे का पाया हुआ हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य। 5.56 ml इंसास एलएमजी को एक्शन के दौरान हैंडलिंग करने का तरीका सिखाना है। 5.56 ml इंसास एलएमजी मैगजीन एसेसरी पाउच चिंदी ड्रिल कार्ड नंबर दो के लिए 9 ml सीएमजी मैगजीन ड्रिल कार्ड चिंदी क्लास के दाहिने मुनासिब दूरी पे लगा हुआ फिगर 11 टारगेट। क्लास के सामने लॉन्ग इजल चौक बोर्ड डस्टर रखे हुए, जरूरत पड़ने पे क्लास को समझाने के लिए। बंदोबस्त में ग्राउंड सीट बिछी हुई, हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार। सबक तरतीब वार चले, साथ ही क्लास के आसानी से समझ में आए। सबक को दो भागों में सिखाया जाएगा। भाग नंबर एक, फायरिंग पोजीशनों का चुनाव करना। भाग नंबर दो, एलएमजी को एक्शन के दौरान हैंडलिंग करने का तरीका। यहाँ तक किए गए बयान तथा कार्रवाई में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो भाग नंबर एक, फायरिंग पोजीशनों का चुनाव करना। मैदान में दुश्मन के फायर से बचने के लिए, साथ ही दुश्मन पर कारगर फायर डालने के लिए हमें आड़ों की जरूरत पड़ती है। फायरिंग के लिहाज से आड़े 5 प्रकार की मानी गई है। नंबर एक, 1 से 1.5 फीट की आड़ या नीची आड़। नंबर दो, 2 से 2.5 फीट की आड़। नंबर तीन, गोल आड़। नंबर चार, ढलवानदार जमीन का इस्तेमाल। नंबर पाँच, 4 से 4.5 फीट की आड़ या ऊंची आड़। सबसे पहले 1 से 1.5 फीट की आड़। 1 से 1.5 फीट की आड़ को एक फायरर किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, कार्रवाई का नमूना हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास देखे तथा समझे, मेरे लिए आदेश स्थान लोग। कौन ही मार रहे यहाँ पे, बयान भी कर सकता है, एलएमजी को अलाइन करता है, लेकिन क्यों सुन उठता है फोकट में एक पीछे खड़े हुए। यहाँ पे फायरर एलएमजी को अलाइन करता है और कुदरती सिदाई हासिल करते हुए लैंग पोजीशन एक्तियार करता है। एक से 1.5 फीट की आड़ को एक फायरर लैंग पोजीशन से आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस पोजीशन से यह फायरर की बुनियादी पोजीशन होती है, जिससे फायरर का खाका छोटा बनता है, जो कि दुश्मन के लिए मुश्किल टारगेट होता है और फायरर लंबे समय तक आसानी से फायर कर सकता है। इस पोजीशन में एलएमजी को ऑन बायपार्ट या बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके एलएमजी को ऑन बायपार्ट ही इस्तेमाल किया जाए, ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर आड़ इजाजत ना दे तो बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस प्रकार बायपार्ट फोल्ड करके फायर करते समय ध्यान रहे कि मैगजीन आड़ के ना लगे, ऐसा होने से फीडिंग की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। 1 से 1.5 फीट की आड़ को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो रखे एलएमजी। नंबर मिले अपने स्थान पर। 1 से 1.5 फीट की आड़ को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा 2 से 2.5 फीट की आड़ को इस्तेमाल करने का तरीका। 2 से 2.5 फीट की आड़ का इस्तेमाल एक फायरर 3 पोजीशन से कर सकता है। नंबर एक, सिटिंग पोजीशन। नंबर दो, नीलिंग पोजीशन। नंबर तीन, हाई नीलिंग पोजीशन। एक फायरर किस प्रकार से इन पोजीशनों का इस्तेमाल करता है, कार्रवाई का नमूना हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास देखे तथा समझे।
सिटिंग पोजीशन से सिटिंग सिटिंग पोजीशन उस समय इस्तेमाल की जाती है जब आर्ट 2 फीट से कम हो या ऊंचाई से नीचाई की तरफ फायर करने की जरूरत पड़े। सिटिंग पोजीशन अख्तियार करते समय ध्यान रहे कि बायां पैर कुदरती टारगेट की सीधाई में हो और आर्ट के साथ लगा हुआ हो। इस पोजीशन में भी एलएमजी को ओन बायपार्ट या बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके एलएमजी को ओन बायपार्ट ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर आर्ट इजाजत ना दे तो बायपार्ट फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस प्रकार बायपार्ट फोल्ड करके फायर करते समय ध्यान रहे कि मैगजीन आर्ट के ना लगे। ऐसा होने से फीडिंग की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। सिटिंग पोजीशन में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा नीलिंग पोजीशन। नीलिंग पोजीशन उस समय इस्तेमाल की जाती है जब आर्ट 2 से 2.5 फीट की हो। इस पोजीशन को इस्तेमाल करते समय बायां पैर की टोक कुदरती टारगेट की सीधाई में हो और आर्ट के साथ लगी हुई है। कुदरती टारगेट की सीधाई में हो। इस पोजीशन में भी एलएमजी को ओन बायपार्ट या बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके एलएमजी को ओन बायपार्ट ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर आर्ट इजाजत ना दे तो बायपार्ट फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस प्रकार बायपार्ट फोल्ड करके फायर करते समय ध्यान रहे कि मैगजीन आर्ट के ना लगे। ऐसा होने से फीडिंग की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। नीलिंग पोजीशन में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा हाई नीलिंग पोजीशन। हाई नीलिंग पोजीशन उस समय अख्तियार की जाती है जब आर्ट के पीछे दलदली जमीन हो या पानी भरा हो या आर्ट 2 से 2.5 फीट से थोड़ी ऊंची हो। इस पोजीशन में भी एलएमजी को ओन बायपार्ट या बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके एलएमजी को ओन बायपार्ट ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर आर्ट इजाजत ना दे तो बायपार्ट फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें इस प्रकार बायपार्ट फोल्ड करके फायर करते समय ध्यान रहे कि मैगजीन आर्ट के साथ ना लगे। ऐसा होने से फिटिंग की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। 2 से 2.5 फीट की आर्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो क्लास प्ले स्टार्ट पोस्ट। 2 से 2.5 फीट की आर्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं तो अभी बताऊंगा गोल आर्ट को इस्तेमाल करने का तरीका। गोल आर्ट का मतलब गोल होना ही नहीं है। ये वो आर्टें होती है जिनको एक फायरर ऊपर से इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जैसे मकान, ऊंची दीवार या कोई पेड़। इन आर्ट को एक फायरर किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, कार्रवाई का नमूना हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास देखे तथा समझे, मेरे लिए आदेश स्थान लो। एक सेंटर देख दो वरना मान लूंगा इसी का एक। गोल आर्ट का इस्तेमाल एक फायरर लाइंग पोजीशन से आसानी से कर सकता है। गोल आर्ट का इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि आर्ट को बाईं तरफ छोड़ा जाए, आर्ट का दाहिना किनारा इस्तेमाल में किया जाए। ऐसा करने से नंबर 1 तकरीबन और नंबर 2 पूरा पूरा आर्ट के पीछे छिप जाता है। अगर बाएं कंधे का फायरर हो तो आर्ट को दाहिनी तरफ छोड़ा जाए, आर्ट का बाया किनारा इस्तेमाल में किया जाए। ऐसा करने से नंबर 1 पूरा पूरा लेकिन नंबर 2 नंबर 1 के दाहिने और पीछे की तरफ पोजीशन लेता है। गोल आर्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? सवाल नहीं तो यहीं से बताऊंगा ढलवानदार जमीन को इस्तेमाल करने का तरीका। ढलवानदार जमीन का इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि जिस तरफ से ऊंचाई है उस तरफ के बायपार्ट के सूखे नीचे से मिट्टी को खोद लिया जाए और एलएमजी को समानांतर कर लिया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर जमीन इजाजत ना दे तो जिस तरफ से नीचाई है उस तरफ के बायपार्ट के सू को ऊंचा कर लिया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। जिस तरफ के बायपार्ट के सू को ऊंचा किया गया है उस तरफ के पैर को भी फोल्ड कर लिया जाए। ऐसा करने से एक फायरर को स्थिरता मिलती है और फायरर लंबे समय तक आसानी से फायर कर सकता है।
ढलवानदार जमीन के इस्तेमाल में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो रखे आलम जी। बोल आठ और ढलवानदार जमीन के इस्तेमाल में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं, तो अभी बताऊंगा चार से साढ़े चार फीट की आर्ट या ऊंची आर्ट। एक फायरर इसका किस तरीके से इस्तेमाल करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास देखे तथा समझे, मेरे लिए आदेश स्थान लो। क्लास इसी को देखने के लिए चार से साढ़े चार फीट की आर्ट के पास मूव। चार से साढ़े चार फीट की आर्ट को एक फायरर स्टैंडिंग पोजिशन से आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इस आर्ट का इस्तेमाल करते समय फायरर का बॉडी का बायां हिस्सा आर्ट के साथ लगावा और झुकाव आगे की तरफ। इस पोजीशन में भी एलएमजी को ओन बायपार्ट या बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक हो सके एलएमजी को ओन बायपार्ट ही इस्तेमाल किया जाए। ऐसा करने से हथियार को स्थिरता मिलती है। अगर आर्ट इजाजत ना दे तो बायपार्ट फोल्ड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बायपार्ट फोल्ड करके इस्तेमाल करते समय ध्यान रहे कि मैगजीन आर्ट के ना लगे, ऐसा होने से फीडिंग की कार्रवाई में बाधा आ सकती है। चार से साढ़े चार फीट की आर्ट को इस्तेमाल करने के तरीके में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो क्लास स्टार्ट पोस्ट पे। पूरी बाई यहाँ पर फायरर हथियार और सामान का पूर्ण रूप से निरीक्षण करता है। करने का तरीका, सबसे पहले मैगजीन को उतारता है और सुरक्षित स्थान पर रखता है। लिवर की पोजीशन को एस से आर पर करता है। एलएमजी को कोक करता है, चाल वाले पुर्जों को आगे जाने देता है। चेंज लिवर की पोजीशन वापस एस से करता है। ट्रिगर को प्रेस करता है। अगर ट्रिगर प्रेस ना हो तो रिपोर्ट देता है एस से ठीक। देखें इस प्रकार एस पे ठीक। चेंज लिवर की पोजीशन को एस से आर पर करता है। ट्रिगर को प्रेस करता है और प्रेस हालत में ही रखते हुए एलएमजी को कोक करता है, चाल वाले पुर्जों को आगे जाने देता है। ट्रिगर को रिलीज करता है। अगर रिलीज करने से क्लिक की आवाज आए तो रिपोर्ट देता है आर पे ठीक। आर पे ठीक। ट्रिगर की पोजीशन को ए पे करता है। ट्रिगर को प्रेस करता है और प्रेस हालत में ही रखते हुए एलएमजी को कोक करता है, चाल वाले पुर्जों को आगे जाने देता है। ट्रिगर को रिलीज करता है। अगर रिलीज करने से क्लिक की आवाज ना आए तो रिपोर्ट देता है ए पे ठीक। ये नहीं होगा, बोली नहीं रहा है तो नहीं आती। फायरिंग के दौरान काम आने वाले सभी हिस्से पुर्जों को चेक करता है। बायपार्ट ठीक। ये पूछ सकता है कि वही आवाज क्यों नहीं आती? हाँ, ये पूछ सकता है। वो सबसे सही बात है कि आगे क्या है, तो तीनों में पूछ सकता है। ये कार्रवाई तीनों में ही पूछ लेगा। ये यही बनता है सवाल, यहाँ आके पूछ लेगा क्यों नहीं आती है, वो ये बता दो फिर गाड़ी पा रहे। फेस एलिमेटर ठीक। फोरसाइट प्रोटेक्टर ठीक। फोरसाइट टिप ठीक। फेस एलिमेटर ठीक। कैरिंग हैंडल ठीक। बैक साइड ठीक। रिटर्नर कैश ठीक। रिटर्नर ठीक। शोल्डर पैड ठीक। और एलएमजी को मैक्सेप करता है। अपने हिस्से की मैगजीन को पोच में रखता है। एसेसरी पोच को बेल्ट के बाईं तरफ लगाता है और नंबर दो की रिपोर्ट का इंतजार करता है। नंबर दो की रिपोर्ट मिल जाने के बाद हाई नीलिंग पोजीशन अख्तियार करता है। एलएमजी को कैरिंग हैंडल से दाहिने हाथ से पकड़ता है और बाएं हाथ को 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करते हुए सेक्शन कमांडर को रिपोर्ट देता है। नंबर एक एलएमजी ग्रुप एक्शन के लिए तैयार है। नंबर एक एलएमजी ग्रुप एक्शन के लिए तैयार है। नंबर एक की कार्रवाई में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं? सवाल नहीं तो खाली कर।
अभी बताऊंगा नंबर दो की हैसियत से सामान को हथियार सामान को तैयार करने का तरीका। नंबर दो भी हथियार और सामान का निरीक्षण करता है। मैगजीन का निरीक्षण किया, कार्बन का दो बार कोक किया, ट्रिगर प्रेस किया, फायरिंग के दौरान काम आने वाले सभी हिस्से पुर्जों को चेक करता है, तीन चीजें उसकी चेक और मैक्सेप की कार्रवाई करता है, मैक्सेप कर दिया, रख दिया। अपने हिस्से की मैगजीन को पोच में रखता है और नंबर एक को रिपोर्ट देता है कि नंबर दो एक्शन के लिए तैयार है। नंबर दो की हैसियत से हथियार सामान को तैयार करने में किसी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं, सवाल नहीं तो खाली कर, वो भी खाली कर देता है, खड़ा हो जाता है। नंबर तो भी बोलता है तो ठीक ना, ना वो नहीं बोलता, वो सिर्फ चेक करता है अपना, कर देता है। रिपोर्ट नंबर एक एलएमजी ठीक, नंबर मिले अपने स्थान पर, नंबर एक एलएमजी ग्रुप स्थान लो, स्थान लेगा, सेम स्थान लो के आदेश पर सेम कार्रवाई शुरू कर देगा। दूसरी चीज एक पोस्ट या स्थान लो के आदेश रिपोर्ट देता इस प्रकार। नंबर एक एलएमजी ग्रुप की रिपोर्ट मिल जाने के बाद सेक्शन कमांडर एलएमजी ग्रुप के पीछे आता है और एलएमजी ग्रुप को अक्सिस ऑफ एडवांस देता है। क्या देगा? एलएमजी ग्रुप 200 सामने एक अकेला दखल, एलएमजी का अक्सिस ऑफ एडवांस, इक्का दुक्का फायर आने पे एडवांस को जारी रखा जाएगा, सख्त फायर आने पे दौड़ो लेटो रेंगो आड़ पकड़ो, देखभाल शिस्त लो और फायर का जवाब फायर से दिया जाएगा। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए क्लास एलएमजी ग्रुप के दाहिने से हरकत करेगा, एलएमजी ग्रुप मूव या एडवांस कर दिया। एक सवाल पूछ लो, इक्का दुक्का फायर आने पे क्या कार्रवाई की जाएगी? नायक बालक सिंह एडवांस को जारी रखा जाएगा उस्ताद। सख्त फायर आने पे क्या कार्रवाई की जाएगी? नायक दर्शन देखभाल और फायर का जवाब फायर से देते हैं। एक और दो किस प्रकार से कार्रवाई करते हैं? कार्रवाई का नमूना नंबर दो की हैसियत से हथियार पर बयान के साथ दूंगा। क्लास इसी को देखने के लिए एलएमजी ग्रुप के पास क्लोज, नंबर दो लाइन को इस प्रकार फायर करते करते एलएमजी में चंदे की रोके भी पड़ जाती है। नंबर दो किस प्रकार से नंबर एक की मदद करता है देखें। इस प्रकार एलएमजी ठीक फायर करता रुकता, आप खाली मैगजीन के आदेश पर नंबर एक सबसे पहले कलमे वाली अंगुली ट्रिगर गार्ड से बाहर निकालता है, एलएमजी को कोक करता है, एचओडी लगाता है, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारता है, नंबर दो को मैगजीन देता है, नंबर दो खाली मैगजीन को पोच में रखता है, पोच से भरा हुआ मैगजीन लगता है, मैगजीन का निरीक्षण करते हुए बाएं हाथ से मैगजीन नंबर एक को देता है, नंबर एक मैगजीन को मैगजीन में फिट करता है, यकीन करता है मैगजीन फिट, चाल वाले पुर्जों को आगे जाने देता है और एलएमजी को फायर में शामिल करता है। एलएमजी ठीक फायर करता रुकता, एक दो राउंड के बाद रुकता के आदेश पर नंबर एक कलमे वाली अंगुली ट्रिगर गार्ड से बाहर निकालता है, एलएमजी को कोक करता है, चाल वाले पुर्जा आगे जाने देता है और नंबर दो को आदेश देता है गैस बढ़ाओ, गैस बढ़ाओ। नंबर एक तब तक एलएमजी को फायर में शामिल नहीं करता जब तक नंबर दो वापस अपनी पोजीशन में ना आ जाए। नंबर दो एलएमजी के बाएं पहलू आगे जाता है, चिंदी या साफ कपड़े की मदद से गैस रेगुलेटर की पोजीशन को लो से हाई पे करता है, अगर पहले से हाई पर हो तो गैस प्लग को खोलता है, नंबर एक और दोनों मिलकर गैस प्लग की सफाई करते हैं, गैस प्लग को वापस बंद करता है, गैस रेगुलेटर की पोजीशन लो पे करता है और अपनी पोजीशन में आ जाता है। नंबर एक साथ में साफ करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ना ऐसा करने क्योंकि थोड़ा
क्योंकि जंग का टाइम है, ये कार्रवाई बहुत फास्ट होती है, बोला जरूर जा रहा है और एलएमजी को फायर में शामिल करता है। एलएमजी ठीक फायर करता, रुकता फायर नहीं के आदेश पर। नंबर एक, कलमे वाली अंगुली ट्रिगर गार्ड से बाहर निकालता है, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारता है और नंबर दो को मैगजीन देता है। नंबर दो मैगजीन को पोस्ट में रखता है। नंबर एक एलएमजी को कोक करता है, चाल वाले पुर्जे आगे जाने देता है, बट और कंधे का मिलाप तोड़ता है, सीखे हुए तरीके से एलएमजी को खोलता है, फायरिंग की ओर इंस्ट्रक्टर का निरीक्षण करता है। फायरिंग में इंस्ट्रक्टर ठीक, अगर फायरिंग पिन या इंस्ट्रक्टर में से कोई चीज टूटी हुई हो तो नंबर एक और दो मिलकर उसकी बदली करते हैं, हो सकता है चेंबर में कटा हुआ केस। नंबर एक निरीक्षण करता है चेंबर में कटा हुआ केस और नंबर दो को आदेश देता है क्लीनिंग प्लग। क्लीनिंग प्लग नंबर एक सीखे हुए तरीके से एलएमजी को जोड़ता है और नंबर दो नंबर एक के एक्सेसरी बैग से क्लीनिंग प्लग निकालता है, बेस और सेंटर पिन को टाइट करता है, बाएं हाथ की मदद से एलएमजी के नीचे से नंबर एक को क्लीनिंग प्लग देता है। नंबर एक एलएमजी को कोक करता है, एचओडी लगाता है और क्लीनिंग प्लग को चैम्बर में दाखिल करता है। एलएमजी को दाहिने टर्न करते हुए एक ही झटके में कोक करता है, यकीन करता है क्लीनिंग प्लग के साथ कटावा केस बाहर, एचओडी लगाता है, क्लीनिंग प्लग के साथ कटावा केस बाहर, नंबर दो को क्लीनिंग प्लग देता है, बट और कंधे का मिलाप करता है। नंबर दो पोत से भरा हुआ मैगजीन लेता है, मैगजीन का निरीक्षण करते हुए बाएं हाथ से नंबर एक को मैगजीन देता है। नंबर एक मैगजीन को मैगजीन में फिट करता है, यकीन करता है मैगजीन फिट, चाल वाले पुर्जों को आगे जाने देता है, एलएमजी को फायर में शामिल करता है। नंबर दो क्लीनिंग प्लग से कटे हुए केस को जुदा करता है। इस प्रकार फायर करते करते नंबर एक कैजुअल्टी हो जाए या फायर के काबिल ना रहे तो नंबर दो नंबर एक का स्थान लेता है। देखें इस प्रकार, सबसे पहले नंबर दो नंबर एक के बट और कंधे का मिलाप होता है और नंबर एक के बैट में हाथ डालते हुए उसे अपनी तरफ खींचता और उसके ऊपर से एलएमजी पे स्थान लेता है। तुम बिल्कुल मरा थोड़े ना यार। एलएमजी को फायर में शामिल करता है। इस प्रकार फायर करते करते टारगेट बर्बाद हो जाए या एलएमजी को एक्सिस ऑफ एडवांस जारी रखना पड़े तो सबसे पहले एलएमजी को मैक्स हेड किया जाएगा। अगर समय और आर्ट इजाजत ना दे तो चेंज लीवर की पोजीशन एसटे किया जाएगा, पहला मौका मिलते ही मैक्स हेड की कार्रवाई की जाएगी। आर्ट को जिस प्रकार से पकड़ा गया था उसी प्रकार से छोड़ा जाएगा। स्कार्ड पोस्ट टर्निंग के दौरान खाली कर की कार्रवाई स्कार्ड पोस्ट पे होगा। इतनी सी कार्रवाई है, आर्ट को वैसे ही छोड़ देंगे, आ जाएंगे इधर आगे खाली कर की कार्रवाई हो जाएगी। खाली करी कार्रवाई में रिपोर्ट नंबर दो का आसमान ठीक, नंबर एक एलएमजी ग्रुप ठीक, नंबर एक एलएमजी ग्रुप मिले अपने स्थान। ये था नमूना, अभी होगा अभ्यास। अभ्यास के लिए नंबर दो एलएमजी ग्रुप टेक पोस्ट के स्थान लो, लेकिन पहली बार इसमें इतना समय बचता नहीं। इधर ही बताया उस्ताद ने कि अभ्यास करवाना है लेकिन होता नहीं है, इसका पूरा टाइम उसी में व्यतीत हो जाता है।